गाइस, वी आर इन कुफरी और अभी हम जा रहे हैं हिमालयन नेचर्स पार्क। इंटरनेट पर पढ़ा था तो काफ़ी अच्छी जगह लग रही थी, तो जाकर देखते हैं कैसा है। हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 17 मिनट्स दिखा रहा है, कुछ 3-4 किलोमीटर दूर है। सो लेट्स गो, फटाफट चलते हैं। 5 बजे उसकी जो एंट्री है वो बंद हो जाती है। अभी 3:45 हो रहे हैं, सो जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पर एंड लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे गाइज ऐसे छोटे छोटे से पोस्टर्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं। पीछे भी एक लेपर्ड का लगा हुआ था और यहाँ पर ये लगा हुआ है। ब्राउन बियर बेयर, हमें अभी पता चला कि बियर नहीं होता है, बेयर होता है। So this brown bear, let's find brown bear. कहाँ गया? ओह वो रहा, अब और अच्छे से दिख रहा है। शाम दी सैर कर रहा है। आज का दिन अब बस हम यहीं खत्म करते हैं, अब चलते हैं अगले दिन पर। इट्स डे 3 एंड वी आर इन शिमला, जस्ट अबाउट टू चेक आउट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी कॉल्ड द ट्विन टावर होटल, जो कि है शिमला कुफरी हाईवे पर। ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है और बस हम निकलने लगे हैं। लगेजेस हमने अपने पैक कर लिए हैं और अभी हम आज भी शिमला को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पहुंच गए हैं राष्ट्रपति निवास, जो कि है शिमला में। फोटोज़ वगैरह में देखे काफ़ी अच्छी सी बिल्डिंग है, सो अंदर चलते हैं और देखते हैं। राष्ट्रपति वहाँ पे जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो यहाँ पे थोड़ा लुफ्त लेने आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले आके गई हैं, तो अब इन्होंने पब्लिक के लिए उसको ओपन कर दिया उनके जाने के बाद। तो अब देखते हैं, मज़े लेते हैं हम भी कि कैसे रहते हैं, राष्ट्रपति कैसे रहती है। हमें मिल गई है कार्ट बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को। ये शिक्षिका पूरी पैदल आएंगी। हम लोग जा रहे हैं चल के। सो गाइज, ये है राष्ट्रपति निवास।
बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है, अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट आप यहाँ बाहर आकर फोटो खींच सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉन है यहाँ पर, और ये जो दो आप मेरे सामने पेड़ देख रहे हो, ये दो पेड़, ये कहा जाता है कि साल में 4 बार रंग बदलते हैं। सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, आसपास इतने सुंदर देवदार के पेड़ हैं और अंदर ये राष्ट्रपति निवास बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अंदर एक्चुअली अलाउड नहीं है ना कैमरास वगैरह, नहीं तो अंदर से दिखाते, बहुत अच्छा है। कैसा लगा? बहुत 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 सुंदर। राष्ट्रपति बनना है? स्पेशली ये जो पीछे का व्यू है ना, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अरे बहुत अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर। व्हाट अ व्यू, बहुत सुंदर। So, अभी हम आ गए हैं चैल पैलेस, जो कि है चैल में, विच इज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। जब हम शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो रास्ते में चैल आता है, थोड़ा सा हमें डिटोर लेना पड़ता है चैल पैलेस के लिए, बट वी वॉन्टेड टू कवर दिस प्लेस एज वेल, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। पीछे आप देख सकते हो, दैट इज द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग बेसिकली पटियाला के जो महाराजा हैं उनकी थी, लेकिन अब उन्होंने ये हिमाचल गवर्नमेंट को दे दी है। सो यहाँ पर होटल भी है, अभी हम अंदर जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। एंट्री फीस अराउंड 200 रुपीज़ हमने स्टार्टिंग में दी है, तो पर पर्सन 200 रुपीज़ पर पर्सन दिए। सो अभी अंदर चलते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है, काफी पुराना है, सो लेट्स सी कि इज इट वर्थ टू इवन कम हियर और नॉट। लेट्स गो। वेलकम टू चहल पैलेस, आइए। सो दिस इज महारानी, नाम दिए हैं रूमों को, महारानी 314, किंग्स डाइनिंग। दिस इज अ रेस्टोरेंट, यस, किंग्स डाइनिंग, इट्स वेरी बिग। राजकुमारी 215, कुछ क्या रूम के नाम रखे? हाँ, सबके नाम है, Only for residents. वापस आ जाओ, इधर आके रूम होंगे ना, ये सारे रूम्स वगैरह हैं, और पीछे व्यू है। ये देखो रॉयल बार, किंग्स डाइनिंग रिजॉर्ट, ये घुमा दिया किसी ने। This is Shichika Puri, this is me, and this is Trishika Chaudhary. Yeah, hello everyone, how are you? Chalo. So, ये पियानो पड़ा है, कुछ कुछ लॉन्ज है, ये रॉयल बार इज क्लोज। बाहर गार्डन बहुत बड़ा है, उसमें फाउंटेन्स चल रहे हैं, ये ऑफिस इनका। अरे और होता क्या था इनके पास, महाराजाओं के पास गार्डन, वेरी बिग गार्डन। गार्डन विद फाउंटेन। हमारे वाले कहाँ गए सारे? चलो पहले अंदर घूम लेते हैं, फिर आएंगे बाहर। हाउ अर्चितपुरी, हाउ आर यू? थक गए? नहीं नहीं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ले लें फिर महाराजा स्वीट, उसका रेट है 25,300 रुपये प्लस GST। हाँ, हम रेट देख के हैं वहाँ पे, क्या मजाक समझ रही हूँ। हाँ, कॉटेज विद शेफ, शेफ किचन, शेफ किचन 25,000 कुछ का था वो भी। अरे क्या ये देख रहे हैं हम, पर पर्सन क्या बदतमीजी है,
भाई हो गया ये तो। क्या है ये 200 रुपए कम से कम एक चाय तो दे दो। ये एक पेंटिंग देखने के लिए हम आए हैं। नहीं यार ऊपर होगा। अरे खुला यार कहाँ लिखा है पूछना पड़ेगा भाई। इसकी एंट्री ही 200 रुपए की थी जो हमें फजूल लगी पर पर्सन। हम 7 लोग हैं हमने 1400 रुपए दिए जिसमें कि हमें कुछ नहीं मिला। 14 मिनट भी नहीं घूमे और जिसमें क्या था होटल की लोबी दिखाई है बस। अरे भाई आप नहीं बुलाना चाह रहे कह दो ना कि नहीं भाई आने के लिए किसी के लिए मतलब क्या है ये जाते हैं यार, ज़्यादा खास है। क्या बेवकूफ़ी पहले वहाँ पे देख तो लें रॉयल कैफे पे क्या मिल रहा है। यहाँ पे बस ये कि जो इनका किंग डाइनिंग हॉल है उसके रेट ठीक है। जो हमने लंच किया वो सेम रेट यहाँ पे भी वही रेट है उसमें इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं है। बट स्टिल जो ये था ये तो बहुत ही बेकार लगा हमें कि भाई 1400 रुपये मतलब 200 रुपये पर पर्सन एंट्री और अंदर कुछ है भी नहीं। बट ये एक पार्क में पिकनिक मनाने के लिए आप 200 रुपये दोगे फिर सेंस नहीं बनती। सो गाइज ये था चाइल्ड पैलेस का छोटा सा टूर। सच बताऊं तो हमें इतना वर्थ नहीं लगा एज पर द प्राइस पॉइंट क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ लॉबी देख पाए। ऊपर जो एक्चुअल रेजिडेंट था महाराजा का उसको वो सब बंद है, वो सब एक होटल बन चुका है और बस एक लॉन ही है। सो हमें इतना वर्थ नहीं लगा। अगर आप चाइल आ रहे हैं तब मे भी आप यहाँ पर आ सकते हैं बट एज ए स्पेशली आने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। वी होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश की है कि हम सारी जगहें कवर कर सकें। अगर आप शिमला की तरफ जा रहे हैं तो आप ये सारी जगहें कवर कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ छूट गया तो कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो and please do subscribe to our channel and press that bell icon so that you're always notified whenever we put up a new video. See you on the next destination. Bye bye.